अगर गर्भपात की नौबत आ जाए तो सबसे अहम सावधानी ये है कि ये कराया सही समय पर जाए, नहीं तो महिला की जान को खतरा हो सकता है। और वो सही वक्त क्या है गर्भपात के ऑपरेशन का? गर्भधारण करने के 20 हफ्ते तक। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन। नहीं बेटा, मीना के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज तुम उसकी जान बचाने जा रही हो। और वैसे बेटा, इस तरह का ऑपरेशन तुम पहले भी बहुत सारे कर चुके हो। पता नहीं क्यों बाबूजी, पर आज डर महसूस हो रहा है। इस डर का सही इस्तेमाल करो, इसे बहाना नहीं बल्कि ईंधन बनाओ। फिर भी भाभी, देखो बेटा, ये तुम्हारा डर बहुत छोटा सा है मीना और हमारे भरोसे के आगे। मैं जानता हूं तुम्हारा ऑपरेशन बहुत अच्छे से कामयाब होगा। लो बेटा, माताजी का प्रसाद। आज मैंने सिर्फ तेरे लिए प्रार्थना की है, और सच्चे दिल से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। बस आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। वो तो हमेशा तेरे साथ ही है बेटा। सिर्फ आशीर्वाद ही देती रहोगी या कुछ खिलाओगी भी? काम पर जा रही। बाबूजी, मैं वहीं कुछ खा लूंगी। नहीं बेटा, देखो। अच्छा बेटा, मुझे एक बात बता, अगर तेरे कोई पेशेंट ने तुझसे ये कहा कि वो बिना कुछ खाए काम पर निकल रहा है, तो तू उसे क्या सलाह देगी? माँ माँ की लिखी हुई गोली तो खानी पड़ेगी। तो यही बैठ, मैं तेरे लिए नाश्ता लेके आती हूँ। जी चाहिए। डॉक्टर साहब, बाहर रिसेप्शन पे एक मियाँ बीवी आए हैं, कहते हैं आपसे ही मिलेंगे, अपना नाम तक नहीं बता रहे मुझे। आने दो, हमारे आने वाले हर पेशेंट का सिर्फ एक ही नाम होता है, जरूरतमंद। आने दो। ठीक है। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते श्रीमान। आपको भी नमस्ते। ये शर्मिली है, जवाब नहीं देगी। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठिए बैठिए। हाँ बैठिए। अरे अरे, सुनिए सुनिए, आप यहाँ बैठिए शर्मिली जी, आप यहाँ बैठिए। नहीं नहीं, आप समझे नहीं। क्या है ना कि ये स्वभाव से शर्मिली है, मगर इसका नाम मुन्नी बाई है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग, मेरी पेट से सर। ये आप ही की करतूत है, कितनी बार कहा है हमारे पास मत आया कीजिए। सर, हम कंफर्म करना चाहते हैं कि मुन्ना होगा या मुन्नी। यहाँ का पता किसने दिया आपको? जिसने भी बताया है उसने ये भी बताया है कि मैं आपको उसका नाम नहीं बताऊं। गुड। तुम्हारा दोस्त बहुत समझदार है, बहुत समझदार। क्या मैं आपकी बीबी की नब्ज चेक कर सकता हूँ? वो क्या है ना, जरूरत से ज्यादा शर्मीली है, गैर मर्द को हाथ लगाने नहीं देती। हाँ, कैसी होगा मतलब काम? सिंपल है, पहले जांच करेंगे, जांच करके पता लगाएंगे कि मुन्ना है कि मुन्नी। जो भी रिजल्ट आएगा आपको एसएमएस से भेज देंगे। अच्छा,
मुन्ना हुआ तो मुन्ना स्माइली, और अगर मुन्नी हुई तो मुन्नी रुई। सिंपल, बाकी आपकी मर्जी। मर्जी मतलब? अरे इसी काम के लिए तो लोग यहाँ आते हैं। अब बताइए, अनचाही औलाद कौन चाहता है? हम भी यही चाहते हैं। सिंपल सा ऑपरेशन है, कर देंगे। उसी रात आपकी वाइफ आपके घर चली जाएगी, बस। अरे डॉक्टर साहब, एक समस्या है। इसे 20 हफ्ते हो चुके हैं। ऐसे में पीएचसी वालों ने कहा है कि ऑपरेशन कराना खतरनाक हो सकता है। अरे छोड़िए ये सब, ये सारी बनाई हुई बातें। एक बार बताइए, दवाई होती है, दवाई के पैकेट पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है कि नहीं होती है? आपको क्या लगता है कि वो अचानक उसी दिन एक्सपायर कर जाती है? बात तो सही है, लेकिन डॉक्टर साहब एक बात और, मतलब लास्ट लास्ट, वो क्या है ना कि ये ऑपरेशन जो हम लोग करवा रहे हैं ये तो गैर कानूनी है ना। अरे बहुत सोचते हैं भाई आप। एक बार बताइए, बेवजह सड़क पे टहलना गैर कानूनी है, पता है आपको? लेकिन अब क्या है, देखिए इंसान की जरूरत के सामने बेचारा कानून क्या करेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, आप किसी को बताएंगे तो नहीं ना कि हम ये काम यहाँ पे कर रहे हैं? बेफिक्र नहीं, एकदम बेफिक्र नहीं। राज को राज रखने में आपसे ज्यादा हमारा फायदा है। अरे शर्मिली जी, अरे शर्मिली जी, ऐसी नाजुक हालत में आप ऐसे? कोई बात नहीं, आपको और आपके आस पड़ोस में किसी को भी हमारी सेवाओं की जरूरत पड़े, अच्छा, तो बेझिझक लेके आइए। हाँ, कमीशन भी मिलेगा। अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भगवान आपको अपार शक्ति दे। जी 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 बेटा, हालत तो तेरी नाजुक होने वाली है। ये देख, ये वीडियो तुझे पूरे गांव में वर्ल्ड फेमस बना दे। अरे देख, 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 तू बिल्कुल जल्द ऐसे मत करो, प्लीज 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 ऐसे मत करो। बदनाम हुई डॉक्टर तेरे लिए, मुन्नी सुनो, हेलो डॉक्टर तेरे। सफल रहा, फिक्र की कोई बात नहीं। मीना, मीना बिल्कुल ठीक है, बस दवाइयों की वजह से कुछ देर के लिए गहरी नींद में, पर खतरा पूरी तरह से टल चुका है। घर कब आ सकेगी? बस 4-5 दिनों, बस शरीर को थोड़ी तंदुरुस्ती मिलने की, थोड़ा आराम मिलने की देर। जी,
आपने मेरी बेटी को, मुझे जिंदगी। इतना तो मेरा फर्ज बनता ही है, फर्ज से कहीं ज्यादा किया आपने मेरी बेटी के लिए। एहसान की कीमत नहीं चुकाई जा सकती। भंडारी जी, आपको एक जिम्मेदारी सौंप रही हूं। शरीर के घाव तो दवाइयों से भर जाते हैं, लेकिन मन को किसी हादसे से उबरने में वक्त लगता है। आपसे विनती है कि जितना हो सके मीना को एक खुशनुमा माहौल दीजिए। जो बीत गया वो सो बीत गया स्नेहा जी, पीछे मुड़कर देखने की मेरी आदत नहीं, स्वभाव है। और इस हादसे ने मेरी बेटी के लिए जो मेरे दिल में प्यार है उसे बढ़ाया ही, एक सुंदर भविष्य में जाएगी, डॉक्टर बनेगी। और इस काम में मैं आपका पूरा साथ दूंगी, कंधे से कंधा मिलाकर। स्नेहा जी, आप मरीजों का नहीं जिंदगियों का इलाज करती। बाबूजी, ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा है। मैं अभी भंडारी जी को यही बात बता रही थी। अरे मुझे तो पहले से ही पता था बेटा, फिर भी सुनकर अच्छा लगता है। जरा भंडारी जी को फोन देना। जी बाबू जी। प्रणाम। खुश रहो भंडारी, मैं एक बेटी का पिता होने के नाते समझता हूँ कि पिछले कुछ दिनों तुम पर क्या बीत रही होगी। आपकी बेटी ने मेरे वो सारे गम भुला दिए। एक शिकायत है, स्नेहा जी अपनी तारीफ सुन के शर्मा जाती है। ये एक डॉक्टर नहीं है, एक फरिश्ता है, जिन्होंने मेरे घर की खुशियां वापस लेकर आई। और ये मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, ये हकीकत बयां कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ प्रणाम। मीना को एक बार बुआ जी और मुन्ना की जुबानी। नमस्कार, मैं हूँ आपकी बुआ जी आपकी सेवा में। और मैं आपका दोस्त मुन्ना। बुआ जी और आपकी सेवा में। नमस्कार, मैं आपकी पन्ना, आपकी आशा दीदी और आपकी सहेली भी। वाह भाई वाह पन्ना, अरे तुम तो बड़ी जल्दी सीख गए रेडियो के जुमले। सब मुन्ना भैया की सोबत का असर है। नहीं बुआ जी, मुद्दे पर आते हैं। पन्ना, पिछली बार तुमने अपने मस्त पिटारे में से मस्त गोली यानी कि OCP की चर्चा की थी, इस बार तुम्हारा ये पिटारा क्या रंग दिखाने वाला है? आज हम उस खतरे की बात करेंगे जो कॉन्डम का इस्तेमाल ना करने से हो सकता है, जैसे कि अनचाहा गर्भ। शाबाश, ये तो गांव-गांव की समस्या है और इस पर हमारा समाज चुप्पी साधे बैठा है। अगर गर्भपात की नौबत आ जाए तो सबसे अहम सावधानी ये है कि ये कराया सही समय पर जाए,
नहीं तो महिला की जान को खतरा हो सकता है। और वो सही वक्त क्या है गर्भपात के ऑपरेशन का? गर्भ धारण करने के 20 हफ्ते तक। और एक जरूरी बात, ये ऑपरेशन लड़की पैदा होने को रोकने के लिए नहीं कराना चाहिए। ये एक अपराध है और इसकी सजा भी बहुत सख्त है। एक बात कहूं, ये मर्द बड़ी बेरहमी से कह देते हैं कि लड़की को गिराना है। दरअसल ये लड़की शब्द ही गलत है। अरे वो कह के तो देखें कि बेटी को गिराना है, फिर हम देखें कितने लोग हिम्मत करते हैं ऐसा कहने की। वाह बुआ जी, क्या बात कही है आपने। हमेशा की तरह डंके की चोट पर आपसे प्रेरित होकर हमने एक दोहा लिखा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो सुनाए। बहुत दोहा लिखते हो, अब लिख ही दिए हो तो सुना भी दो। जिसे लड़की गिरानी हो, जिसे लड़की गिरानी हो, खुद बैठ करे विचार, खुद ही सोचे क्या बेटी बिना चलेगा संसार। वाह क्या बात है मुन्ना भैया, बहुत पते की बात कही आपने। वो हम भी कुछ घंटों के लिए गर्भवती थे, तब हमें अकल आई। तुम गर्भवती हो गए थे? काफ़िदा कर रहे हो, लड़का कि लड़की? डॉक्टर पैदा किए हैं, कांड करता हुआ पकड़ा गया। भाई जो लोग हमारे संपर्क में थे तो उनको तो हमने वीडियो फॉरवर्ड कर दिया। अगर हमारे सुनने वालों के पास भी स्मार्टफोन है तो वो हमसे संपर्क करें, हम उन्हें वीडियो फॉरवर्ड कर देंगे। बुआ जी आप भी वीडियो देखिए और पन्ना बहन तुम भी। ये देखिए, एक छोटा सा ऑपरेशन करेंगे फिर आपकी वाइफ उसी रात आपके घर वापस चली जाएगी। अनचाही औलाद कोई चाहता है क्या? राज को राज रखने में आपसे ज्यादा हमारा फायदा है। क्या मड़ो, हमको यहाँ पुलिस चौकी में बुलाकर बाहर बिठा रखा है और खुद यहाँ बैठ के अखबार पढ़ रहे हो, ये क्या सलीका है? तुमसे कहा किसने कि हम अखबार पढ़ें? भाई ये हमारे एक केस की इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। अच्छा, वाह वाह मड़ो, ये अखबार पढ़ना केस का इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा कब से हो गया? देख मड़ो, तुम इस गांव के एक इज्जतदार नागरिक को जानबूझकर सता रहे हो, दंग कर रहे हो उसको। दिगंबर सिंह, बीपी बढ़ जाएगा, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बैठो बैठो, गुस्सा नहीं करते, बैठो 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 बैठो। दरअसल इस अखबार में हम तुम्हारी तस्वीर ढूंढ रहे थे, कहीं कहीं किसी कोने में छप गई वो सुधा नरसिंह होम मामले में। मड़ोक पार्टनर हो ना, हम तुमको वार्निंग देते हैं, वार्निंग दे रहे हैं तुमको कि अगर तुमने अब थोड़ा सा भी अनाप शनाप बकाना, थोड़ा सा भी ना, तो हम तुम्हारे संग संग पूरे पुलिस डिपार्टमेंट पे केस ठोक देंगे। अरे पहले सबूत दो, सबूत फिर हमसे बात करना, समझा? सबूत मांगे हैं वो इल्जाम लगने से पहले। कैसे खिलाड़ी फेंकते हो दहले पे नहले। ए मोड़ो, ये हम तुम्हारा बकवास का शेर व शायरी सुनने के लिए यहाँ नहीं आए, जो बकना है जल्दी जल्दी बको। ओके चलो, तो सामान्य ज्ञान की बात करते हैं। वैसे हमें शक है कि तुम्हारी जनरल नॉलेज अच्छी होगी। अच्छा ये बताओ, ये गर्भपात के लिए जो ऑपरेशन किया जाता है, गर्भधारण के कितने हफ्ते बाद तक सुरक्षित माना जाता है, मतलब जिसमें महिला की जान को कोई खतरा ना रहे? अरे ये हमको कैसे मालूम होगा, हम कोई डॉक्टर थोड़ी है। लेकिन क्लिनिक तो आप चलाते हैं ना? देखो मोड़ो, उस क्लिनिक में हमने पूंजी निवेश किया है बिजनेस के लिए, समझे कि नहीं? अब उसमें क्या होता है नहीं होता है, कौन क्या करता है कौन क्या नहीं करता है, हम इससे कोई वास्ता नहीं रखते। वास्ता रखना चाहिए दिगंबर सिंह, तुम तो कानून का जानकार रहे हो, पुलिस में अफसर रहे हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए कुत्ते जब भी किसी को काटते हैं तो
तो उस कुत्ते के मालिक की पहली जिम्मेदारी बनती है, नहीं? देखो, देखो मोड़ो, क्लिनिक हम नहीं चलाते, क्लिनिक में डॉक्टर और नर्स होते हैं। अगर उन्होंने कोई गलती की है तो कानून की जूती और उनका सर, हमको क्या लेना देना इसमें? मतलब यहाँ मामला ही उल्टा है, यहाँ मालिक ने कुत्ते को काटने की जिम्मेदारी ले रहे। मड़ोक, जबान संभाल के बात करो। अपनी आवाज भी नीचे रख दिगंबर, वरना उस वीडियो की आवाज इतनी ऊंची हो जाएगी कि इस गांव के हर गली हर घर में उसका वॉल्यूम सुनाई देगा। जब मैं मीना का ऑपरेशन कर रही थी तो मेरी आंखों के सामने मेरी बहन सीमा का चेहरा था जिसे मैं बचा ना सकी। उसकी कोख में भी एक लड़की थी, मीना बच गई और भंडारी जी की मुस्कान मेरे लिए प्रायश्चित बन गई। लोग टेस्ट करवा कर लड़कियों को दुनिया में आने नहीं देते, ऐसा क्यों करते हैं? लड़की बोझ नहीं, वो एक चमत्कार है, आप ही के वंश को जीवित रखने का वरदान है। अपने दिल पर हाथ रखकर कही, अगर फैसला आपके हाथ में होता तो क्या आप अपनी माँ, बहन या बीवी को इस दुनिया में आने से रोक देते? फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, देखते रहिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। खुशबू में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ, मैं ये भी मैं वो भी मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी।